हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। जब आपको भूख लगी हो और आप नहीं बनाना चाहते हो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली है। तो एंड बहुत ही इजी रेसिपी है, आप देखोगे तो आप तुरंत बनाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने बाउल में 1 कटोरी मैंने आटा लिया हुआ है, जो हम डेली यूज़ में खाते हैं। और उसके बाद मैंने सूजी ली हुई है 1/2 कटोरी। और उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज वगैरह, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे पहले से। और यहाँ टमाटर्स वगैरह ऑलरेडी मैंने काट के रखा हुआ है, और जिंजर गार्लिक का दरदरा पेस्ट। और यहाँ मैंने ग्रीन चिली लिया है और हरी धनिया लिया हूँ। और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दही, जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। फिर यहाँ मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर रही हूँ, और जीरा ऐड कर रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एंड देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, आप इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं एंड मॉर्निंग टाइम में भी खा सकते हैं। तो हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो लाइक दिस। ऐसे ही हम इसे थोड़ा सा ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप रख सकते हो। और फिर उसके बाद हम जो चमचे से इसको ऐसे डालेंगे और थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि पूरी की शेप में, और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनता है। और लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाएंगे ताकि क्रिस्पी बने। तो हम इसे पका रहे हैं लो फ्लेम में एंड अब धीरे धीरे ऐसे ही ये पकता रहेगा। देन मैं इसको फ्लिप कर दूंगी, तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये देखने में भी बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप कभी भी बना सकते हो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो अब ये नाश्ता एकदम से क्रिस्पी हो गया है। देन मैं इसको निकाल लूँगी। तो ऐसे ही हमें सारे बना लेने हैं और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होते हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक कचौड़ी की शेप में लग रहा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं। ये बहुत ही गाइस देखने में कितना ही रेसिपी और यूनिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video. Radhi Radhi.